सत्र से पहले आज सभी दल की बैठक है। बजट सत्र से पहले सभी दलों की बैठक है। बैठक में जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह मौजूद हैं। यह बैठक संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से बुलाई गई है। बैठक में इंडिया और एनडीए गठबंधन के नेता शामिल हैं। सर्वदलीय बैठक ये बुलाई गई है। जो संसद का ये सत्र होने वाला है बजट का, उससे पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। अखिलेश यादव इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो गए हुए हैं पश्चिम बंगाल। दीदी की ओर से जो वो दिवस मनाया जा रहा है उसमें वो शामिल हो रहे हैं, लेकिन बाकी दलों के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। इंडिया और एनडीए की दोनों ही मेंबर्स इसमें शामिल हो रहे हैं सर्वदलीय बैठक, इसलिए क्योंकि बजट सत्र अब शुरू होने वाला है। बजट पेश किया जाएगा मोदी सरकार की ओर से, निर्मला सीतारमन बजट रखेंगी, लेकिन उससे पहले सर्वदलीय बैठक कि किस तरीके से सुचारू रूप से संसदीय सत्र को चलाया जा सके, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है किसी एक मुद्दे पर इतनी ज्यादा बहस हो जाती है कि कई बार सत्र चलाना जो है मुश्किल हो जाता है। ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर से ये बैठक बुलाई गई है। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नीरज, अहम बैठक है, संसदीय दल की बैठक ये है जो बुलाई गई है। देखें, बिल्कुल, सत्ता पक्ष और विपक्ष के दलों के बीच सर्वदलीय बैठक सरकार के द्वारा बुलाई गई वो शुरू हो गई है। अब से महज कुछ मिनट पहले राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और केंद्रीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू के अलावा कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे शामिल हैं। जयराम रमेश शामिल हैं इसमें, गौरव गोगोई शामिल हैं, प्रमोद तिवारी शामिल हैं और दूसरे दलों के बड़े नेता। टीएमसी का कोई प्रतिनिधि आज की बैठक में शामिल नहीं है। समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव शामिल है, सरकार के पक्ष से चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, संजय झा जेडीयू के शामिल है। देखिए, अहम बात यह है कि विपक्ष अपने बड़े मुद्दों को इस बैठक में उठाएगा और सरकार से ये मांग करेगा कि उनको महंगाई, बेरोजगारी, नीट, मणिपुर, नाम बदलने के मसले को भी उठाएगा। और डिप्टी स्पीकर के पद की मांग लगातार विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही है, उस मसले को भी विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा। लेकिन सरकार विपक्षी दलों को ये जानकारी देगी कि किन किन बिल पे चर्चा होनी है। महत्वपूर्ण 6 बिल है, बजट का तो मामला है, बजट पेश होगा, उसे भी संसद से पास कराना होता है। लेकिन सरकार जो महत्वपूर्ण 5-6 बिलों को लागू कराना चाहती है उसको भी पारित करने की बात आज की बैठक में करेगी। लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो विपक्ष की मांगों को मानती है कि नहीं, और विपक्ष आने वाले दिनों में उन मुद्दों को जरूर रखेगी। आपको याद होगा पिछली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जब प्रधानमंत्री सदन में बोल रहे थे तो विपक्ष ने अपनी मांग रखी थी, हंगामा हुआ था, तो उस तरह के आसार बजट सत्र में भी देखने को मिलेंगे। ये बैठक कस्टमरी होती है लेकिन इसका महत्व होता है क्योंकि सभी दलों के प्रतिनिधि, बड़े दल, छोटे दल, सरकार के दल, विपक्ष के दल, वो लोग इस बैठक में शामिल होते हैं और सब अपनी अपनी बात रखते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दे कई हैं, जैसे नीट का बताया, मणिपुर का बताया, और जो मूर्तियों का स्थान बदला गया है सदन के अंदर उस मुद्दे को भी उठाएगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी ने इस बात की जानकारी दी है। बैठक शुरू हो गई है, करीब घंटे डेढ़ घंटे ये बैठक चलेगी और सभी दलों की बातों को सरकार के मंत्री और सरकार के पक्ष के लोग सुनेंगे और सत्ता पक्ष की जो एजेंडा है, सत्ता पक्ष की तरफ से जिस एजेंडे को रखा जाएगा उस एजेंडे को विपक्ष के सामने रखा जाएगा। बिल्कुल नीरज, और देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष अपने कौन कौन से मुद्दे रखता है और इस बार विपक्ष और ज्यादा हमलावर दिखाई दे रहा है।